गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स। आज अपन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि ICD-10 के अंदर जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है वो किस चैप्टर के अंदर आता है। ये जो डिसऑर्डर है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर ICD-10 के F00 से F07 चैप्टर के बीच में इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर कॉज्ड बाय नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन। इन जनरल, एनी डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय ए नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मे बी कैटेगराइज एज एन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर और मोर स्पेसिफिकली एज एन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर और ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। An example is delirium, a disorder that is caused by non-physical dysfunction of the brain. So, इसके अंदर जो भी non-pathological conditions होती है organic brain disorders के अंदर। Next, an organic mental disorder is dysfunction of brain that may be permanent or temporary. ये जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स है ये परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर मे बी कॉज बाई इनहेरिटेड फिजियोलॉजी इंजरी और डिजीज अफेक्टिंग ब्रेन टिश्यूज। ये इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, इंजरी के कारण भी हो सकते हैं, डिजीज किसी डिजीज के कारण ब्रेन टिश्यू अगर डैमेज होगा तो भी ये हो सकते हैं, और केमिकल और हार्मोनल एबनॉर्मलिटी के कारण और टॉक्सिक मटेरियल के एक्सपोजर के कारण भी ये जो डिसऑर्डर्स हैं डेवलप हो सकते हैं। द न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट एंड एबनॉर्मल चेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग। नाउ वी स्टार्ट डिलीरियम। डेफिनेशन ऑफ द डिलीरियम एज, इट इज ए स्टेट ऑफ ग्रेट मेंटल कन्फ्यूजन इन विच कॉन्शियसनेस इज क्लाउडेड। जो डिलीरियम होता है इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है वो क्लाउडी हो जाती है, मतलब क्लियर सी नहीं रहती। देन अटेंशन कैन नॉट बी सस्टेन एंड द स्ट्रीम ऑफ थॉट एंड स्पीच इनकोहरेंट। जो अटेंशन सस्टेन नहीं रहती और थॉट स्ट्रीम है वो चलती रहती है और स्पीच है वो भी क्लियर नहीं रहती, इनकोहरेंट रहती है। अकम्पनीड विद इल्यूजन हलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, इसके अंदर इल्यूजन हलुसिनेशन एंड डिल्यूजन भी साथ साथ में रहते हैं। दिस इज ए स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन कैरेक्टराइज बाई रिलेटिवली रैपिड ऑनसेट ऑफ वाइड स्प्रेड डिसऑर्गेनाइजेशन द हायर मेंटल प्रोसेस कॉज बाई जनरलाइज डिस्टर्बेंस इन ब्रेन मेटाबॉलिज्म। इट मे इंक्लूड इम्पेयर्ड परसेप्शन मेमरी एंड थिंकिंग एंड एबनॉर्मल साइकोमोटार एक्टिविटी। तो इसके अंदर साइकोमोटार एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। Then it is a change of consciousness that occurs over a short period of time. जो consciousness है वो थोड़े time के लिए change हो जाती है। Delirium is an acute organic mental disorder characterized by impairment of consciousness, disorientation and disturbance in perception and restlessness that develop over a short period of time. This condition is reversible. ये जो delirium है ये first of all ये reversible process है और इसके अंदर mental जो confusion है, impairment, consciousness है, disorientation है, ये सारे features देखने को मिलते हैं। Then note, delirium can be life threatening and should be viewed as an emergency. It usually caused by an infection and so the underlying causes needs to be treated. Because ये एक emergency है तो इसका जो treatment है वो काफ़ी जल्दी होना चाहिए। Then other terms used to describe delirium, first of all acute organic brain syndrome, acute confusional state, acute brain failure, toxic confusional state, acute organic psychosis, acute brain syndrome. Then incidence, कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके अंदर ये जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हैं होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हाईएस्ट अमंग द ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स इन द जनरल हॉस्पिटल्स, अबाउट 10-20% ऑफ मेडिकल सर्जिकल इन पेशेंट सफ़र डिलीरियम। देन अबाउट 30% ऑफ एल्डरली और द जीरियाट्रिक पेशेंट सफ़र दिस कंडीशन।
30% है जो जीरियाट्रिक पेशेंट हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं, वो सफ़र करते हैं। इट ऑल्सो हायर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। द ऑनसेट इज़ यूजुअली अब्रप्ट, द ड्यूरेशन ऑफ एन एपिसोड इज यूजुअली ब्रीफ, लास्टिंग फॉर अबाउट ए वीक। जो इसकी ड्यूरेशन है वो छोटी होती है और कुछ हफ्तों के अंदर ये वापस हील क्योर हो जाता है। देन एटियोलॉजी एंड कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमिक इन्फेक्शन, निमोनिया, पर्प्यूरियल सेप्सिस, टाइफॉइड, सेप्टिसीमिया, पेरिटोनाइटिस, ये इसके कॉजेज रहते हैं। देन फीवर, एग्जाम्पल हाई बॉडी टेम्परेचर, जनरल डिस्टर्बेंस इन ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड अदर इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल फ्रंटल लीजन ऑफ द राइट पैराइटल लोब, न्यूरोसिफेलिस, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल मलेरिया, एनसेफेलाइटिस एक्सेट्रा, इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्रेन और एनोक्सिया, एग्जाम्पल कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, निमोनिया, पल्मोनरी फेलियर, अनिमिया, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, यूरिमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। सो दीज आर द एटियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द डिलीरियम। द नेक्स्ट कॉजेज आर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है कन्वल्जन, सीजर्स और हेड ट्रॉमा के अंदर आता है इंजरी टू हेड, एक्सेसिव अल्कोहल यूज एंड और विड्रोवल सिम्टम्स, डिलीरियम ट्रेमर्स ऑल्सो नॉन एज डिस्टर्बेंस एबिस्टेंस डिलीरियम। देन ड्रग इंटॉक्सिकेशन और विड्रोवल सिम्टम्स के अंदर आता है एट्रोपिन, कोकीन, ब्रोमाइड्स, विड्रोवल फ्रॉम ओपिएट्स एंड बारबिट्यूरेट्स, विटामिन डेफिशिएंसी के अंदर आता है पेलेग्रा, निकोटिनामाइड डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी, व्रिंकलिक एनसेफेलोपैथी। देन मेटल पॉइजन, एग्जाम्पल लेड, मैग्नीज, मर्कुरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। द नेक्स्ट मेनोमिक फॉर कॉजेज ऑफ डिलीरियम, ए यूजफुल मेनोमिक फॉर रिमेंबरिंग पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिलीरियम। जो डिलीरियम के कॉज हैं उसको एक मेनोमिक के थ्रू अगर अपन याद करना चाहें तो वो इस तरह है, आई वॉच डेथ। आई वॉच डेथ को अपन इस हिसाब से समझेंगे, आई स्टैंड फॉर इन्फेक्शन, डब्ल्यू फॉर विड्रॉवल, ए फॉर एक्यूट मेटाबॉलिक, टी फॉर ट्रॉमेटिक इंजरी, सी फॉर सीएनएस लीजन, डी फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ई फॉर एंडोक्राइन, ए फॉर एक्यूट वास्कुलर, टी फॉर टॉक्सिन, एच फॉर हैवी मेटल्स। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिलीरियम, फिजिकल सिम्टम्स, सेकेंड डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप साइकिल। सो फर्स्ट फिजिकल सिम्टम के अंदर देखते हैं हेडेक, मलेज, परस्पिरेशन, ओवर सेंसिटिविटी टू नॉइज एंड लाइट, एंड पेन्स, पेल फ्लस फेस। डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप साइकिल के अंदर देखेंगे इंसोम्निया और इन सीवियर केसेस टोटल स्लीप लॉस, डे टाइम ड्राउजीनेस, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम एट नाइट, नाइटमेयर्स विच मे लीड टू हलुसिनेशंस अपॉन वेकिंग अप, रेस्टलेसनेस। तो रात के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलुसिनेशन और नाइटमेयर्स तो आते रहेंगे। देन नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन, एंजाइटी, अपैथी, डिप्रेशन, यूफोरिया, फियर, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, परफेक्सिलिटी। देन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ट्रेमर, एस्ट्रेक्सिस, नास्टियागमस, एटेक्सिया। तो दीज आर द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, स्लगिस, स्टोपरस, हाइपर, पिकिंग एट द बेड क्लोथ्स। देन कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस, इम्पेयरमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, डिस्टर्बेंस इन रिसेंट मेमोरी। देन सेवन इज अटेंशन एम्पेयरमेंट, वेरी हार्ड टू फोकस एंड सस्टेन अटेंशन। साइन एंड सिम्टम्स अगेन, डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, इल्यूजन, हलुसिनेशन, थ्रेटनिंग विजुअल इमेजेस। देन डिस्टर्बेंस इन ओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन इन ऑल स्पेयर्स, टाइम, डे, पर्सन, पीपल एंड एनवायरमेंट, प्लेस और सिचुएशन। पेशेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इररिलेवेंट एनवायरमेंट स्टिमुलाई, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, डिल्यूजन इन कॉरेंट स्पीच। देन इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडिंग एंड कॉन्शियसनेस रेंजिंग फ्रॉम ड्राउजीनेस टू स्टूपर एंड कोमा। नेक्स्ट द डायग्नोसिस ऑफ द डिलीरियम इज हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑनसेट, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, स्टेट ऑफ सेंसोरियम
example clouding of consciousness, disorientation, memory loss. So these are the diagnoses. Then treatment of the delirium is treat the underlying causes of infection immediately if known. Administer IV fluid to correct electrolyte balance, then give oxygen for hypoxia, then correct thiamine deficiency by giving IV 100 mg of vitamin B12, severe serve diazepam, lorazepam, haloperidol or clorazepam, chlorpromazine to treat psychotic symptoms. Then nursing management of the delirium is provide safe environment, restrict environment stimuli such as reducing sound volume of radio and TV, keep unit calm, keep surrounding well illuminated or bright. There should always be presence of familiar face by the patient, reassuring and supporting him or her. Protect patient from harming self and or others. He respond to hallucination, illusion and delusion. The next is nursing management. Provide safe environment. Give chemical and or mechanical restraint to deal with agitation and aggression demonstrated by the client. Arrange unit room of patient in such a way to prevent injury. इस तरह से रूम को तैयार करेंगे कि कोई भी इंजरी या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो जिससे पेशेंट अग्रेसिव होकर अपने खुद को इंजर्ड कर ले, दूसरों को इंजर्ड कर दे. देन टीच क्लाइंट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंट फॉर एक्टिविटीज सच एज गेटिंग आउट ऑफ बेड, गोइंग टू बाथरूम. प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड टू क्लाइंट्स फॉर असिस्टेंस. Then nursing management again, meet the physical need of patient, conduct physical assessment on the patient regularly, provide appropriate care by using the needed nursing measures to reduce high fever it present, maintain intake and output chart, take care of hygiene needs such as grooming, oral and skin care, monitor vital signs, document as appropriate, keenly observe the patient for any sign of drowsiness and sleep as this may be indication that he or she is sleeping into coma. Nursing management next, elevate patient fear and anxiety. Remove any object in room that seem to source of misinterpreted perception. Then have the same nurse all the time by patient bedside if possible. Keep room well lighted, especially at night. Next, manage client confusion. Speak to client in a calm manner, in a clear, low voice. Use simple sentences. Allow adequate time for client to understand sentences and respond. Allow client to make decision as much as he is able. Provide orienting verbal cues when talking with patient. Use supportive touch if appropriate. Then next is facilitate orientation. Constantly repeat and explain to the patient where she or he is, what day and time it is. Have a calendar in the room and tell patient what day it is always. Have a clock in the room and inform him her what it if or she or he is able to do so. Always introduce self others to the patient with their names if the patient misidentifies them. When acute stage is over, take patient out and introduce him or her to others. Then next, pharmacological treatment. Low dose of neuroleptics are the drug of choice for delirious clients.